गोपाल गौर जी की ये कहानी है, कई बार आप लोगों को सुनते भी है। एक आदमी था जो अपना व्यापार करके गांव से जा रहा था। शाम का समय था, गांव जाने के लिए उसको कोई साधन नहीं था, पैदल जाना है। और पैदल जाते जाते जंगल भी आएगा और नदी भी आएगी, वो क्रॉस करके जाना है, वो जा रहा है। जाते जाते नदी के किनारे आ गया, नदी में तेज पानी का बहाव था और वहां पे कोई नाव नहीं थी, बोट नहीं थी। सोच रहा है, बैठ गया, क्या करना चाहिए, अब क्या करूं। सर खुजाया, इधर उधर देखा, उसे थोड़े से बांबू के लकड़ियां दिखाई दी और घास दिखाई दिया। दिमाग में आइडिया आ गया, उन बांबू की लकड़ियों को लेकर वो घास से इकट्ठा बांधने लगा और बांध के एक बांबू का ऐसा राफ्ट बना गया। राफ्ट पानी में तैरने के लिए, उसको तैरना आता था लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था, जिसके कारण ये किनारे से वो किनारे पे जाना मुश्किल था। तो उसने बांबू को घास से बांध के एक राफ्ट बना लिया और फिर दो बांबू की ऐसी गाड़ियां ली और वो राफ्ट में अपना प्रवास शुरू किया और एक किनारे से दूसरे किनारे पर चला गया। किनारे पर जाने के बाद उसने बोला, अरे ये राफ्ट जो मैंने बनाया है, अपने दिलो जान से बनाया है और ये राफ्ट मेरे इतना काम में आया है, अब आगे जाने के लिए मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूं, इसे तो मुझे साथ में लेना चाहिए ना। तो क्योंकि जीवन के सबसे मुश्किल समय में ये राफ्ट मेरे काम में आया है, ये बांबू की लकड़ियां, ये घास से जो मैंने बन के बनाई है, मैंने बनाई है, ये मेरे जीवन के मुश्किल समय में काम में आया है, तो मुझे इसे छोड़ना नहीं चाहिए। वो लेके वो राफ्ट को अपने पीठ पे बांध के आगे जाने लगा। आगे चलता चलता जा रहा था, घना जंगल आ गया। जंगल में इतने पेड़ थे कि दो पेड़ के बीच में से केवल एक आदमी जा सकता था। वो जा रहा है आगे, पहली बार राफ्ट अटक गया, उसने कैसे वैसे निकाल लिया और आगे बढ़ गया, फिर राफ्ट अटक गया, फिर निकाल लिया उसको, मतलब आगे बढ़ने लगा। और एक समय ऐसे आ गया कि वहां पे वो राफ्ट बार बार अटकने लगा। आगे बढ़ना है तो राफ्ट को वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, और अगर वो राफ्ट के साथ चिपक के रहता है तो उसको वहीं पे रहना पड़ेगा, आगे जाने का रास्ता बंद हो गया। तो उसी समय में उसके दिमाग में आया कि अब आगे बढ़ना है तो ये राफ्ट को छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए बच्चों, आज के जो भी आप विनर्स हो, जो योग्यता आपने प्राप्त की है, ये राफ्ट मतलब हमने अपनी मंजिल, जिस टेक्निक से आज अपने मंजिल तक हम पहुंचे हैं, वो टेक्निक है। हो सकता है ये राह आपके यहां तक काम में आया हो, आगे भी काम में आएगा, लेकिन राह के साथ हमने जो सीखा है उसके साथ हमारी इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि वो राह हमको कई बार आगे जाने से रोक के रखता है। यहां तक कि हमारी जो मंजिल होती है वो हमने कुछ किया, हमने कुछ कोशिश की, हमने कुछ टेक्निक्स अप्लाई किए, हमने कुछ मेहनत की है, तो हम ये मंजिल तक आ गए हैं। और अभी अगर उसी पे अटकना है तो आगे जाने का रास्ता रुक जाएगा। तो सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि हमने आज तक जो सीखा वो राह अगर हमको आगे ले जाने के लिए हेल्प करता है तो ठीक है, वो रोकता है तो हमें उसे छोड़ के अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, नई मंजिल और नए रास्ते बनाना पड़ेगा। इस मंच के द्वारा आप जो आज यहां से गौरव पुरस्कार लेकर जाओगे, ये तो आपकी शुरुआत होगी, और आपको डेस्टिनेशन तक जाना है तो अपने लाइफ में आपका करियर चूज करने के लिए आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी और निश्चित ही आप बहुत आगे जा सकोगे। ये शुरुआत करने के लिए आपको महान बनने की जरूरत नहीं है, शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरूरत नहीं है, महान बनने के लिए शुरुआत करने की जरूरत है। जो शुरुआत आज जयसवाल युवा क्लब और जयसवाल महिला क्लब ने की है, आपकी लाइफ को
आगे बढ़ा दी।